मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू होता है। यह मेरा मिक्सर प्लांट है, बर्निंग करके फिर पन्नी उन्नी लगता है, ऐसे हो गया, बेंड हो गया, जंक्शन हो गया, टी हो गया, एल्बो हो गया, डीप। सर हमारे व्यूअर को अगर बिजनेस करना है वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं सर? कॉन्टैक्ट नंबर। हेलो गाइस, सो एग्रो इंटेक चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सो हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं बेला मुजफ्फरपुर में। आप जैसे कि देख पा रहे हो मेरे बगल में यहाँ पे सीपी इंटरप्राइजेस करके एक बहुत बढ़िया कंपनी चलाया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पीवीसी पाइप है वो पीवीसी पाइप बनाया जा रहा है। और हम लोग चितरंजन सर से बात करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि सर के कंपनी में क्या क्या इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाया जा रहा है और सर के साथ कैसे जुड़ के हम बिज़नेस कर सकते हैं, चाहे आपको अगर रिटेल आउट करना है या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है। ये मेरा रॉ मटेरियल का ग्राउंड है और फिनिश गुड्स का। तो ये आपका रॉ मटेरियल लाइक स्टॉक पॉइंट है? स्टॉक पॉइंट है ये सर का, रॉ मटेरियल स्टॉक पॉइंट है। और फिनिश गुड्स का बिकते हैं जी सर, जितना भी रॉ मटेरियल है सर यहाँ पे स्टॉक करते हैं। यहाँ से मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू होता है। यह मेरा मिक्सर प्लांट है, मिक्सिंग करते हैं विभिन्न केमिकल वगैरह सब मिला कर। अच्छा। बाकी रॉ मटेरियल मिला तो करके और रॉ मटेरियल के साथ मिला करके इसको मिक्सिंग करते हैं। अच्छा, सर्टेन टेम्परेचर पर इसको मिक्सिंग कर करके और इसको निकाल देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ से जो है इसका ग्रैन्यूल्स बनता है इस मशीन पर। इस मशीन पर आप देख रहे होइएगा कि इसमें ग्रैन्यूल्स बन रहा है, ग्रैन्यूल्स बन रहा है। अच्छा। और ये ग्रैन्यूल्स फिर फाइनली पाइप मशीन में जा रहा है। अच्छा। और वो पाइप मशीन से फिर पाइप निकल कर करके वहाँ से प्रोसेस होते हुए प्रोसेस होते हुए सब वहाँ से जा रहा है। वहाँ पर जो है कटिंग हो रहा है और कटिंग डिफरेंट साइज में जिसका रिक्वायरमेंट जिसका बनवाना रहता है। इसमें 2 mm है, 1.5 mm है, 1 mm है, 3 साइज इसका होता है, 1 inch और 1 inch होता है, 20 mm और 1 inch और 1 inch का होता है। वहाँ पर सॉकेट लग रहा है। अच्छा। और उसके बाद में बंडलिंग हो रहा है, 25-25 पीस का जो है सो बंडलिंग होता है। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, बंडलिंग करके फिर पन्नी उन्नी लगता है उसका प्रोसेस। तो एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने महिलाएं काम कर रही है? महिला इसमें 4 है, इसमें 4 महिला बगल में फिर फिटिंग वाले में जो है सो है। तो यहाँ पे वुमेन पावर में इतनी काम कर रहे हैं, यहाँ पे महिलाओं को भी जॉब दे रखा है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैमरा में लेकिन आपको वहाँ पाए दो कैमरा हमारे व्यूअर को दिखाइए कैसे यहाँ पे महिलाएं भी काम कर रही है। सर महिलाओं को भी जॉब दे रखे हैं यहाँ पे, तो और देखते हैं और आप सर बना के आ रहे हैं और सर से मिल के हम लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं। पीवीसी का ड्यून पाइप के अलावा हम उसका फिटिंग भी बनाते हैं। अच्छा। फिटिंग में जैसे हो गया बेंड हो गया, जंक्शन हो गया, टी हो गया, एल्बो हो गया, डीप जंक्शन हो गया, राउंड सीट हो गया, ये सारी आइटमें जो है सो हम बनाते हैं इस मशीनों पर। जो है सर इन-हाउस फैसिलिटी है जो कि बेला मुजफ्फरपुर में पीवीसी पाइप के साथ और जो उनके लाइक फिटिंग इक्विपमेंट है वो सर के इन-हाउस फैसिलिटी में बनाया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो सर के पास रिवर मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, वो खुद कर रहे ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर रहे। तो हम लोग बेसिकली समझते हैं कि सर से अगर जुड़ कर बिजनेस कर रहे कैसे बिजनेस करेंगे। सो फाइनली अगर सर हमारे व्यूअर को अगर बिजनेस करना है वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं सर? कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, एड्रेस आपने बता ही दिया, एड्रेस उसमें पे कर देते हैं उसमें अपना। कॉन्टैक्ट नंबर और सर का जो एड्रेस है जहाँ पे ये लोकेटेड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम लोग समझते हैं कि सर किसी को आपसे जुड़ के बिजनेस करना है वो कितने माल लेंगे आपसे? मिनिमम 50,000 से ऊपर का जो भी माल कस्टमर होगा उसका मैं सप्लाई दूँगा। मिनिमम 50,000 के माल पे आप सर से जुड़ के आप बिजनेस कर सकते हो। ये कोई स्पेसिफाइड लोकेशन में देते हो क्या सर डिस्ट्रीब्यूटर टाइप? नहीं, ऐसा कोई नहीं स्पेसिफाइड मेरा लोकेशन नहीं है, मतलब जो भी आपसे जुड़ सकते हैं आपका मिनिमम लाइक उनको 50,000 का माल यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, चाहे उस पीवीसी पाइप है या उसके फिटिंग हो, उसके फिटिंग्स है। तो वो आप 50,000 के सर से माल लीजिए और आप यहाँ से सर से जुड़ के आप बिजनेस कर सकते हो।